गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज इरेशनल नंबर। हम लोग समझेंगे आज कि इरेशनल नंबर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज इरेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे इरेशनल नंबर का मतलब क्या होगा। इसको लोग डिफाइन अगर करें तो लिख सकते हैं नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है, क्यों नॉन रेकरिंग। ठीक है, ये होगा तो उसको हम लोग समझेंगे क्या कि वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लें। सिंपली आप ये समझें कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को अगर उसको हम लोग चेंज करते हैं डेसिमल फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग के पास दो तरह का होता है। पहले को हम लोग कहेंगे क्या टर्मिनेटिंग कहेंगे, पहले हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, दूसरे को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग का हो गया, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी जो होता है दो तरह का होता है। पहले को हम लोग कहते हैं रैकरिंग कहते हैं, रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रैकरिंग कहेंगे। तो नॉन रैकरिंग जब भी होगा नॉन रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो उस किसका होगा बताइए, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर का हमेशा नॉन रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और रैकरिंग किसका होता है, हम लोग का रैशनल नंबर का होता है। ठीक है, ये रैशनल नंबर का होता है। और ये क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर का होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, कि रैशनल नंबर का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन रैकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं पाई भी क्या है आपका इरेशनल नंबर। पाई का भी एग्जाम्पल जो है इरेशनल नंबर है। ई भी क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे जैसे 1.01 फिर 001 0001 0001, ये भी क्या है, ये भी एग्जाम्पल क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आप किसी को डिवाइड करेंगे या डिवाइड करने के बाद अगर उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा हो जाए, नॉन रैकरिंग हो जाए, तो समझ जाना है उसको कि वो इरेशनल होगा। जैसे अगर आप 11/7 को डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको रैकरिंग मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्या होगा, एक रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। और जब भी रैकरिंग होता है तो किसका होता है आपको पता होगा, रैकरिंग का डिवाइड करके देख लेंगे आप इसको, जब भी होगा तो किसका होता है, इरेशनल नंबर का होता है। ये था आपका इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान देंगे कौन सा टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रैकरिंग नॉन रैकरिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में सीखेंगे इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज और इसको कैसे।